सीटी ना बजने के ऊपर। देखिए सीटी तो मेवात के अंदर से अलवी साहब आपने सुनी होगी रेड फ्रेट कॉरिडोर की बज रही है। मेवात में रोज का मेव से ताउड़ू का क्षेत्र मेवात का आता है और रेवाड़ी धारूएड़ा भिवाड़ी से घुस रही है रेल और बकायदा सीटी बज रही है। मेव भी देख रहे हैं, मेवनिया भी देख रही है, मेवात की 36 ब्रांच भी देख रही है। और फिर पाई रेल में बैठने की बात, तो रेल लाइन ऐसी जुड़ रही है रेवाड़ी से नहीं, सोनीपत से जो मेन रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर तक जाती है उसको कलकत्ता की रेलवे लाइन से गुड़गांव की बॉम्बे लाइन से जोड़ते हुए रोजगा में होकर पलवल से जोड़ा जा रहा है जो मेन तीन रेल लाइन है कि उधर से बैठो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से बैठो जम्मू कश्मीर चले जाओ। जम्मू कश्मीर उम्मीदवार हैं और हम सब, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का आज इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं, तो अब कोई उम्मीदवार तो दूर, कोई दंगल को देखने आने को भी तैयार नहीं है गुड़गांव लोकसभा के। तो ये हालात है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की मुबारकबाद है और मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय सैनी साहब का और आदरणीय रविंद्रजीत सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेवात के लिए इतना शानदार काम किया। रविंद्रजीत सिंह 2009 में आए और सबसे पहले अच्छी बहुमत जीते, 2014 में जीते, 19 में जीते। उनकी पहला यह था कि मेवात में आज तक किसी भी सरकार ने, नेता ने सीटी नहीं बजाई, मैं बजाऊंगा। और 15 साल हो गए अभी तक कोई सीटी नहीं बजी है और तीनों बार केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या कहेंगे सीटी ना बजने के ऊपर? देखिए सीटी तो मेवात के अंदर से अलवी साहब आपने सुनी होगी रेल फ्रेट कॉरिडोर की बज रही है। मेवात में रोज का मेव से ताउड़ू का क्षेत्र मेवात का आता है और रेवाड़ी धारूएड़ा भिवाड़ी से घुस रही है रेल और बकायदा सीटी बज रही है। मेव भी देख रहे हैं, मेवनिया भी देख रही है, मेवात की 36 ब्रांच भी देख रही है। और फिर पाई रेल में बैठने की बात, तो रेल लाइन ऐसी जुड़ रही है रेवाड़ी से नहीं, सोनीपत से जो मेन रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर तक जाती है उसको कलकत्ता की रेलवे लाइन से गुड़गांव की बॉम्बे लाइन से जोड़ते हुए रोजगा में होकर पलवल से जोड़ा जा रहा है जो मेन तीन रेल लाइन है कि उधर से बैठो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से बैठो जम्मू कश्मीर चले जाओ। जम्मू कश्मीर भी रेल लाइन बन रही है, आदरणीय मोदी जी बनवा रहे हैं, तो इसलिए रेल लाइन भी आ गई, सीटी भी बज गई। अब जो रहेगी बात अलवर की मेवात के बीचों बीच से, जिसका सर्वे सन 1971 में जब चैतैया हुसैन मुर्मू एमपी थे और आदरणीय भानीराम मंगला जी उनके भाई के तौर पर और सब संभालते थे, तो इन्होंने जो रेलवे का सर्वे करवाया था भानीराम जी ने, तो इन्होंने जो सर्वे करवाया था अब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, उसका अकाउंट भी खुल चुका है। और जब सारे काम हो रहे हैं, आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे मेवात में से निकला है, तो कोई वजह नहीं है कि आइंदा रेल यात्री हमारी लाइन भी मेवात के बीचों बीच में से जाएगी जिस तरह बॉम्बे एक्सप्रेस वे गया। तो क्या इस बार मानते हैं कि मुस्लिम भाजपा को अधिक संख्या में, भारी संख्या में देने वाला है? कितनी उम्मीद करते हैं आप, क्योंकि आप आकलन कर रहे हैं, देखिए आप भी हैं इस बार वायदास भी हैं सलीम, मतलब आप देखा जाए तो मेवात की जो क्रीम है, मेवात के बड़े बड़े लीडर हैं आज भाजपा में हैं, तो कितनी उम्मीद करते हैं हम जो है, तो हमेशा कभी 17 सीटें हाल तो नहीं मिली है, कितनी उम्मीद करते हैं? सवाल इस चीज़ का है, एक आज से 10 साल पहले तक एक इस तरह का भाव या इस तरह का लोगों में एक भ्रम पैदा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी बनाई गई थी और जिसका भ्रम अब टूट चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी है। और अगर हितैषी ना होती तो भारतीय जनता पार्टी उस मेवात जिले में जिसमें 80% मुस्लिम आबादी है वहाँ से तीनों एमएलए पहले भी नहीं थे।